और भाई लोग क्या हालचाल, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, एंड मोस्टली हमारे सबके पास जो है कुछ इस तरीके के कीबोर्ड होते हैं। बहुत ही कम कीबोर्ड होते हैं जिसमें हमें जो रिस्ट सपोर्ट होता है वो मिलता है, और वो रिस्ट सपोर्ट भी यूजुअली जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, और वो इतना ज़्यादा आपको एक कम्फर्ट लेवल जो है वो नहीं दे पाता है। बाकी ये है हमारा आर्चर का सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड, जिसका एक फुल डेडिकेटेड रिव्यू हम ऑलरेडी चैनल के ऊपर दे चुके हैं। अगर आपने नहीं चेकआउट करा तो भाई आप जाके, ये ऊपर आई बटन आ रहा है अभी, नहीं आई बटन नहीं आ रहा भाई, मैं नहीं दे रहा, क्योंकि आप अभी आई बटन पे अगर चले गए तो हमारे आगे का वीडियो आप मिस कर दोगे, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है भाई इसके ऊपर। दिस इज द एफ्रॉस 200 जो कि आता है आर्चर टेक लैब की तरफ से, जिसका सेम कीबोर्ड है उसी का ही हमारे पास यहाँ पे जो रिस्ट सपोर्ट है ये आ गया। इसका बेनिफिट ये है कि ये आता है प्योर लेदराइट टाइप के अंदर, एंड कुशन्स आपको मेमोरी फोम जो है वो इसके अंदर मिल जाता है। तो आपको चाहे 8 घंटे आप पीसी के ऊपर बैठो, 8 घंटे 9 घंटे आप काम कर रहे हो, आपकी रिस्ट को भाई प्रॉपर सपोर्ट मिलने वाला है। वो प्लास्टिक वाला सपोर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे प्रॉपर कुशनिंग वाला सपोर्ट मिलेगा। साथ में हमें यहाँ पे मिल जाता है RGB का तड़का। सो कैसा ये प्रोडक्ट है खोल के एक बार ही चेक करते हैं, एंड देखते हैं क्या ये फील देता है, और जो कंपनी क्लेम करती है कि ये यहाँ पे सपोर्ट देने वाला, तो क्या हमें सपोर्ट जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके गाइस, तो कुछ ऐसा सा बॉक्स हमें यहाँ पे आर्चर टेक लैब की तरफ से मिल जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आर्चर टेक लैब की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दिस इज द एफ्रॉस 200। तो अगर आप इसके बारे में ढूंढना चाहेंगे तो आपको इसी के नाम से ही ढूंढना पड़ेगा। एंड दिस इज अ RGB कीबोर्ड हैंड रेस्ट। इसमें आपको मिल जाते हैं 16 यूनिक RGB मोड्स, एंड जैसे मैंने आपको बोला इसमें आपको मिल जाता है सॉफ्ट मेमोरी फोम का ऑप्शन। ओके, सो अनबॉक्सिंग करने पे सबसे पहले आपको एक काफ़ी अच्छा सा एक रिस्ट सपोर्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप थिकनेस देखेंगे तो काफ़ी अच्छी थिकनेस है, और अगर आप यहाँ पे कुशनिंग देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी एक यहाँ पे कुशनिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड दिस इज़ रियली कम्फर्टेबल, मतलब हाथ रख के आपको सही में पता चलेगा काफ़ी अच्छा, मतलब एक सपोर्ट सा मिल जाता है। एंड बिल्कुल जैसे मेमोरी फोम इन्होंने बोला उस हिसाब से ये आपके हाथ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, एंड वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। इसके यहाँ पे चारों तरफ आपको मिल जाती है RGB, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा RGB को सेट करने के लिए बटन जो है वो दे रखा है, और 16 मोड जो है हमें यहाँ पे RGB में मिल जाते हैं। और क्या है हमारा यहाँ पे, ओके सो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ हमें यहाँ पे 2 पोर्ट मिल जाते हैं, एक सी पोर्ट मिल जाता है, एक USB पोर्ट मिल जाता है। एंड सी पोर्ट और USB का क्या सीन है भाई, इसको एक बार ही चेक कर लेते हैं। बाकी हमें एक हमें यहाँ पे ब्रेडेड केबल मिल जाती है कंपनी की तरफ से, तो ये एक मेरे को काफ़ी अच्छा मूव लगा क्योंकि ब्रेडेड केबल कंपनी वाले दे रहे हैं। एंड दिस इज़ अ सी पोर्ट, दिस इज़ अ USB। तो क्या हम इस USB को इस तरीके से लगा के सी पोर्ट से अगर अटैच करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। या अगर हम इस सी पोर्ट को लगा के USB से अटैच करना चाहें तो हमारे पास एक ये भी ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और क्या हम अगर इसको सपोज हम अटैच करते थे और अपना कीबोर्ड जो है उसको अगर हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो क्या वो हमारा काम करेगा, तो इसको भी एक बार ही हम यहाँ पे जो चेकआउट है उसको करेंगे। बाकी एक हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो यूज़र मैनुअल है वो देखने को मिल जाती है, बाकी तुम्हारा भाई बैठा ही हुआ है। तो जब भी आप कीबोर्ड पे काम कर रहे होते हैं आपको पीछे एलिवेशंस तो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हाथ जो है वो कुछ इस तरीके से रहता है, बट ये ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा या तो वो हवा में रहेगा कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये ऐसे हवा में रहता है, या आप इसको इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं और ये टेबल पे अगर रहता है सारे टाइम तो एक तो ये कम्फर्ट आपको नहीं दे पाता, दूसरी चीज़ थोड़ा सा इंक्लाइन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तो दर्द होनी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाती है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे इसी कीबोर्ड के साथ यहाँ पे ये जो रिस्ट सपोर्ट है उसको लगा देते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये रहता है कि आपका हाथ और जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल एक ही लेवल पे आ जाते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसमें ये वाली पोजीशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक लेवल ऑफ हमने यहाँ पे कंफर्ट जो है उसको अटेन कर लिया, जिसकी वजह से हम इजीली 7-8 घंटे अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी इश्यू जो है वो यहाँ पे नहीं होने वाला। ओके, सो कंपनी क्लेम करती है कि आपको इसमें 16 RGB इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, बाकी RGB इसकी किस तरीके से जल रही है वो आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो पूरी RGB जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। We'll be right back.
एंड हम वापस आ गए हैं अपने रेड के ऊपर। तो 16 अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ओके सो मुझे जो एक डाउट था कि यार अगर हम इसी के साथ इस यहाँ पे यूएसबी अटैच करके अगर हमारा कीबोर्ड जो है वो चल जाता है तो वो भी एक बारी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे अटैच एंड आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कीबोर्ड है भाई वो भी यहाँ पे काम करना शुरू हो गया। तो हमें अलग से दो पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, हम सिंगल पोर्ट से जो हमारा रिस्ट रेस्ट है उसको कनेक्ट कर देंगे एंड देन उसके बाद अपना जो यूएसबी है आपका कीबोर्ड का उसको यहाँ पे लगा देंगे एंड या गुड टू गो भाई। दो दो यूएसबी पोर्ट हमारे जो हैं वो फिर ख़राब नहीं होंगे। ओके गाइस आपने ये जो प्रोडक्ट है भाई उसको देखा, कैसा आपको ये प्रोडक्ट लगा नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी कीबोर्ड की बात हम कर रहे थे तो कीबोर्ड का अब ये वीडियो का जो आई बटन पे आ रहा है वहाँ पे आप जाके कीबोर्ड अगर देखना चाहते हो तो वो आप जाके देख सकते हो। बाकी ये अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसका बाइंग लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, इट्स प्रीटी नाइस, द थिकनेस इज ऑल्सो नाइस। जो ऊपर आपका कपड़ा यूज़ करा गया है, पीयू लेदर यूज़ करा गया है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड जो अंदर मेमोरी फोम दिया गया है वो भी काफ़ी सही लगा। खास करके मुझे जो इसके अंदर 16 RGB इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी सही लगे। अगर आप सही में लाइट वेट बंद करके यूज़ करते हो तो कीबोर्ड और दोनों चीज़ें अगर आपकी RGB जलेगी तो भाई ये लुक में होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अकॉर्डिंग टू द प्राइस मेरे हिसाब से प्रोडक्ट काफ़ी रीजनेबल है एंड काफ़ी सही है एंड आपको ये लंबे टाइम तक काफ़ी फ़ायदा जो है वो यहाँ पे देने वाला है। तो गाइस मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस। Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm chasing. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiation.